आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। किसने किया ये? मीका का है। ओ हेलो, कहाँ घुसा रही है? क्यों चिल्ला रही है? हटो मेरे रास्ते से। मीका, अरे क्या हो गया? How dare you do this? तुमने अम्मा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? What? पुलिस कंप्लेंट? मैंने कोई वापस लो। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। झूठ मत बोलो। तुमने नहीं की तो किसने की है पुलिस कंप्लेंट? मैंने की है। तू हट अनु, तू हट पड़ा। बोल क्या बोलती है? मैंने की है तेरी माँ के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट, क्योंकि उन्नो एक चंगा सबक सिखाना बहुत जरूरी था। एक मिनट, क्या चल रहा है सभी घर में? इशिता जी, आप लोग हमें चैन से जीने दोगे या नहीं? आप लोग अपने घर का मामला संभाल लेना, बार बार यहाँ के तमाशा क्यों करते हैं आप लोग? तमाशा हम नहीं कर रहे, तमाशा आपके घर के लोग करते हैं हमेशा। आपकी माँ ने मेरे अम्मा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी है, मारपीट का इल्जाम लगाया उन पर, उन्हें पुलिस पकड़ने आई है। इस उम्र में वो जेल जाएंगी तो उन पर क्या बीतेगी आप सोच सकते हैं? हाउ कुड यू ऑल डू दैट? उनकी उम्र तक आप लोगों ने लिहाज नहीं किया है। मैं आप लोगों की ना एक भी नहीं सुनूंगा, बहुत हो चुका है। इतनी देर से भूखे बैठे हुए, अब तो आप लोगों को खाना खाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आप लोग जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक दवाई कैसे लेंगे? तो खाना तो आप लोगों को खाना ही पड़ेगा ना। अम्मा 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 मेरी अम्मा, अब आपको समझाइए ना अम्मा। बाला बेटा, ऐसे खाना कैसे गले से उतरेगा? तुम जानते हो ना ईशु कितनी तकलीफ में है, उसकी हालत देखी नहीं जाती। अम्मा, अपा ने अभी तक कुछ नहीं खाया। क्या खुशबू आ रही है? क्या बचपना है, मुझे भूख नहीं है। अम्मा सेट, अम्मा दिस ड्रमस्टिक सांभर, अम्मा क्या बनाते हो आप? पता है मुझे अंदर तक खुशबू आ रही थी और मैं यहाँ पर आ गई। इतना अच्छा खाना अम्मा दुनिया में कोई नहीं बनाता। इमेजिन, मुझे भूख लग गई इतनी जोर से। प्लीज बैठो ना, जॉइन अस ना। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पता है। लुक एट दिस कर्ड राइस, दुनिया का बेस्ट कर्ड राइस है। पता है किरण, जब हम लोग छोटे थे ना, मैं और अक्का, हम लोग पढ़ाई में मशगूल हो जाते थे, हम लोग को कुछ याद ही नहीं रहता था। खाना पीना तो भूल जाओ। तो द बेस्ट पार्ट वाज कि अम्मा लेकर आते थे खाने की एक प्लेट, और एक ही प्लेट से हम दोनों को खिलाते थे, और हम दोनों थोड़े से डाइट कॉन्शियस होते थे तब, और हम लोग कितना खा जाते थे हमको पता भी नहीं चलता था। तो मैं कहा थी, हाँ मिसेस माधवी अय्यर है घर पर, हम उन्हें गिरफ्तार करने आए। क्या क्या आप अंदर क्यों जा रहे? क्या हुआ? हमारे पास कंप्लेन आई है कि श्रीमती अय्यर ने मिहिका जी को मारा है। फिजिकल एब्यूज की कंप्लेंट है उनके खिलाफ। कंप्लेंट? और मिस मिहिका और उनके परिवार को लगता है कि दोबारा उन पे अटैक कर सकती है। बड़ा किया है, एक बार में बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकती है क्या? चूंकि एक औरत को मारने का मामला है, इन्हें गिरफ्तार करना होगा। क्या बकवास है ये? मैंने कुछ नहीं किया है। देखिए, एक थप्पड़ के लिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। नहीं, वो सब हम नहीं जानते, जो हुआ थाने में हुआ। मैं
भल्ला फैमिली से बात करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि वो इल्जाम वापस देना, लेना पड़ेगा इल्जाम वापस। हटो, किसने किया ये? मीका का है। ओ हेलो, मीका आ रही है। क्यों चिल्ला रही है? हटो मेरे रास्ते से। मीका, अरे क्या हो गया? How dare you do this? तुमने अम्मा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? What? पुलिस कंप्लेंट? मैंने कोई वापस लो। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की है। झूठ मत बोलो। तो तुमने नहीं की तो किसने की है पुलिस कंप्लेंट? मैंने की है। तू हट अनु, तू हट पड़ा। बोल क्या बोलती है? मैंने की है तेरी माँ के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट, क्योंकि उन्नो एक चंगा सबक सिखाना बहुत जरूरी था। एक मिनट, क्या चल रहा है सभी घर में? इशिता जी, आप लोग हमें चैन से जीने दोगे या नहीं? आप लोग अपने घर का मामला संभाल लेना, बार बार यहाँ के तमाशा क्यों करते हैं आप लोग? तमाशा हम नहीं कर रहे, तमाशा आपके घर के लोग करते हैं हमेशा। आपकी माँ ने मेरे अम्मा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी है, मारपीट का इल्जाम लगाया उन पे, उन्हें पुलिस पकड़ने आई है। इस उम्र में वो जेल जाएंगी तो उन पर क्या बीतेगी आप सोच सकते हैं? हाउ कुड यू ऑल डू दैट? उनकी उम्र तक आप लोगों ने लिहाज नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ। ये औरत सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तेरी माँ को पुलिस ले जा रही है ना, जाकर उनको संभालना। दफा हो तू इधर से, चली जाए यहाँ से। आप इन्हें ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? वो सीनियर सिटीजन है, उनकी बीपी की मेडिसिन चल रही है, मरीज है वो। आपको जो कुछ बोलना है सारे मांगे कहीं। अरे नरेंद्र, रुक के इशू लगता है आपके साथ कोई आया नहीं, ले चलिए इन्हें। प्लीज आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, प्लीज। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मैं कभी भी नहीं करूंगी। अम्मा को मत लेके जाइए आप। क्या हुआ? मिसेस अय्यर को पुलिस क्यों ले जा रही? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए ने। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी माँ ने जो कंप्लेंट की है, मैं देखूंगा कि कंप्लेंट वो वापस ले लें। आप इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है, यदि साइन हो जाती है तो हम इनको नहीं ले जाते। ठीक है, मैं माँ से कहूंगा, वाकई साइन कर देंगे। अल्लाह छोड़ दो ने। अम्मा आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, वहाँ जाके कुछ फॉर्म फिल करने, आपको साइन करना होगा कि आप रिपोर्ट वापस ले रहे हैं। मैं आप चाहिए रजिस्टर साइन कीजिए। रमन, थैंक यू सो मच, आपने अम्मा को। मुझे नहीं, आप लोगों को मीका से कहना चाहिए, उसी ने कंप्लेंट वापस लेने की बात की, मैंने कुछ नहीं किया। ये कौन सी यादें आ रही है मुझे? सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ये सब पहले भी हुआ है रमन, कुछ तो याद आ जाए आपको, बस धुंधला ही सही।
ऐसा क्यों लगता है कि ये सब पहले हो चुका है? भाई, मामा ने पेपर साइन कर दिए। वैसे आपने बिल्कुल ठीक किया, वरना हम में और इशिता में फर्क क्या रह जाता? चलो भाई, लेट्स गो। लेट्स गो। ये तो वही है ना जिनसे बॉडी की वेरिफिकेशन करने वाली थी। आप इंस्पेक्टर सिंह है ना? जी हाँ। आई एम सॉरी, पुलिस स्टेशन नहीं आ पाई थी मैं आपसे मिलने के लिए। आप तो पुलिस स्टेशन आने वाली थी। नहीं, आपने मुझे फोन करके बुलाया था ना वो डेड बॉडी वेरिफिकेशन के लिए। डेड बॉडी? मैडम जी, मैंने आपको ही कॉल नहीं किया। और काहे का वेरिफिकेशन? जब कोई मर्डर केस नहीं हुआ, कोई मिसिंग केस नहीं हुआ, तो मैं आपको क्यों कॉल लगाने का? लेकिन मुझे फोन आया था मयूर विहार पुलिस स्टेशन से। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता। अरे मैडम जी को फोन लगाया था क्या थाने से? देख लो जी, नहीं लगाया था। एक मिनट, आपने मुझसे ये भी बोला था कि मैं इंस्पेक्टर सिंह बोल रहा हूँ। अरे मैडम जी, किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। चलो भाई चलो। अजीब बात है, इंस्पेक्टर सिंह ने फोन नहीं किया तो किसने किया था? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.